फ्रेंड्स, तो आज का वाला टॉपिक है इंटरवल। ठीक, इंटरवल क्या होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए इंटरवल कितने प्रकार होता है, देखिए इंटरवल मुख्य रूप से चार प्रकार होता है। कौन कौन होता है देखिए, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर क्लोज इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल, और दूसरा होता है ओपन इंटरवल, और तीसरा होता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक, और चौथा होता है, तीसरा हो गया हमारा, चौथा होता है ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक, तो चलिए देखिए क्या होता है। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसका देखिए साइन होता है इस तरह। क्लोज इंटरवल का साइन इस तरह होता है, ओपन इंटरवल का साइन होता है इस तरह। ठीक, क्लोज देख, सबसे पहले क्लोज करा है तो देखिए क्लोज लगाएंगे यहाँ पर, क्लोज ओपन, इसको बोला है क्लोज ओपन इंटरवल। और देखिए पहले सबसे पहले ओपन करा है तो देखिए ओपन, क्लोज है तो क्लोज ओपन, सॉरी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी मान लीजिए यहाँ पर, या एग्जाम्पल समझिए काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर टू, यहाँ पर फाइव है। ठीक, इसको क्लोज इंटरवल से इसको बंद कर दें। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक संख्या रेखा लिए। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दो है और यहाँ पर पाँच है, तो इसका मतलब इसमें दो दो और पाँच साथ साथ इसके बीच में जो भी संख्या है वो सब शामिल है, इसका बाउंड्री पॉइंट भी शामिल है और इसके बीच में जो भी संख्या है वो सब शामिल है इसके अंदर। ठीक, और देखिए इसमें होता क्या है, इसमें उसी तरह मान लीजिए इसका क्लोज लग गया, समझिए मान लीजिए यहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है इसमें, तो एक्स का मान यहाँ पर दो होगा, पाँच होगा, और इसके बीच में जो भी संख्या है 2.1, 2.3, 2.10, 2, मतलब जितना संख्या है वो भी। लेकिन इसमें होता क्या है, क्लोज का मतलब इसका जो बाउंडिंग पॉइंट है, बाउंड्री जो बाउंडिंग पॉइंट है जो घिरा हुआ है, दो और पाँच ये भी इसमें शामिल होगा एक समय। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं, दो और पाँच इसको ओपन इंटरवल करते हैं, यहाँ पर एक मान लीजिए एक बिलोंग्स करें इसमें, तो एक का मान दो और पाँच नहीं होगा। ठीक, इसके बीच में जितनी संख्या है वो सब होगा, एक मान होगा क्या, तो यहाँ पर 2.1 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, जहाँ जहाँ कहाँ जाएगा 4.999, जहाँ तक मतलब इसके बीच में तो अनंत संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का मान क्या नहीं होगा, दो और पाँच जो यहाँ पर बाउंडिंग पॉइंट है वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है क्लोज में होता है जो कि शामिल होता है, इसमें शामिल नहीं होता है। अब देखिए अब इसका देखिए समझ गए ना, क्लोज क्लोज मतलब जिसके साथ क्लोज लगा हुआ है वो शामिल होगा, जिसके साथ ओपन लगा हुआ है वो शामिल नहीं होगा, समझिए इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस मान लीजिए यही एग्जाम्पल से इसमें लेते हैं फिर दो और पाँच। ठीक, या सॉरी क्लोज ओपन, तो देखिए क्लोज ओपन मान लीजिए यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करेगा इसमें, क्लोज 2.5 ओपन। ठीक, क्लोज इंटरवल सॉरी इधर ओपन इंटरवल है। ठीक, तो देखिए एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान दो होगा। ठीक, 2.1 होगा, 3.1 मतलब बहुत सारा अनंत संख्या होगा, और लेकिन पाँच इसमें नहीं होगा, एक्स का मान क्या नहीं होगा इसमें, पाँच नहीं होगा, पाँच से कम होगा, और दो से दो होगा, दो से 12 होगा। ठीक, यानी एक्स का मान ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि पाँच से क्या होगा, कम होगा, लेकिन दो के क्या बराबर भी हो सकता है और उससे 12 भी होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या होता है, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान पाँच से छोटा और दो से 12, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब बराबर होता है। ठीक, और इसमें क्या होगा क्लोज इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, एक्स का मान बराबर सॉरी यहाँ पर देखिए एक्स का मान पाँच से छोटा एवं बराबर 12 भी, पाँच से छोटा और बराबर होगा, पाँच के बराबर भी और पाँच से छोटा। ठीक, और दो से 12 होगा और बराबर भी होगा, यानी एक्स का मान दो भी होगा, पाँच भी होगा, दो से 12 होगा, पाँच से छोटा होगा। ठीक, और दो के बराबर भी होगा, पाँच के बराबर होगा। और देखिए इसमें क्या होता है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 2.5, इधर क्या है क्लोज इंटरवल। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स का मान है पाँच तो होगा, पाँच से छोटा होगा, पाँच भी होगा,
तो 5 हो गया, मतलब यहाँ बराबर लगा दे ठीक। लेकिन इसके साथ ओपन लग गया तो ओपन का मतलब इसमें शामिल ही नहीं लगेगा, जिसमें ओपन लग गया समझिए उसमें वो चीज़ शामिल नहीं होगा ठीक। तो यहाँ पर 2 से सिर्फ क्या होगा 12 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, एक्स का मान 2 नहीं होगा ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आप एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर 2 से 12, यानी 2 नहीं होगा, 2.1, 2.01, 2.35 जहाँ तक यहाँ पर। लेकिन एक्स का मान क्या 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 के साथ क्या लगा हुआ है क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। जिसके साथ क्लोज लग गया वो शामिल होगा, जिसके साथ ओपन लग गया वो शामिल नहीं होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।